अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के दिल्ली चुनाव के दौरान की गई बयानबाजी के विरोध में हमीरपुर गांधी चौक पर युवा कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। पुलिस के कड़े पहरे के बावजूद युवा कांग्रेस ने अनुराग ठाकुर का पुतला जलाया। हालांकि पुलिस ने रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन फिर भी युवा कांग्रेस पदाधिकारियों ने पुतला जला दिया। युवा कांग्रेस के द्वारा अनुराग ठाकुर के इस्तीफे की भी की गई मांग। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के दिल्ली चुनाव के दौरान की गई बयानबाजी के विरोध में हमीरपुर गांधी चौक पर युवा कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। पुलिस के कड़े पहरे के बावजूद युवा कांग्रेस ने अनुराग ठाकुर का पुतला जलाया। हालांकि पुलिस ने रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन फिर भी युवा कांग्रेस पदाधिकारियों ने पुतला जला दिया। युवा कांग्रेस के द्वारा अनुराग ठाकुर के इस्तीफे की भी मांग की गई। इस अवसर पर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मनमिंदर कटोच, प्रदेश महासचिव आशीष ठाकुर, नीरज ठाकुर के अलावा काफी संख्या में युवा कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मनमिंदर कटोच ने कहा कि अनुराग ठाकुर के द्वारा दिए गए बयान पर युवाओं में रोष है और युवा कांग्रेस मांग कर रही है कि अनुराग ठाकुर अपने पद से इस्तीफा दे। उन्होंने बताया कि युवा कांग्रेस के द्वारा पूरे प्रदेश में ही अनुराग ठाकुर के पुतले जलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस इस तरह की गतिविधियों का विरोध करती रहेगी। ये हमारे सांसद अनुराग ठाकुर ने जो बयान दिया है कि गोली मारो सालों को देश के गिरदारों को, मुझे ये बताएं कि कौन से गिरदारों को गोली मारने की बात कर रहे हैं। और ये बड़ा ही शर्मनाक बयान दिया है। हम तो चाहते हैं, मांग करते हैं कि वो अपने मंत्री पद से इस्तीफा दें। हिमाचल के लिए उन्होंने ये विवादित बयान देकर हिमाचल की भूमि को शर्मसार किया है। देखिए, युवा कांग्रेस इसके ऊपर, युवा कांग्रेस ने पूरे प्रदेश भर में आज अनुराग ठाकुर का जिला मुख्यालय में पुतला फूका है, शिमला में, हमीरपुर में, मंडी में और धर्मशाला में। मेरा प्रश्न है कि 4-5 दिन बाद याद किया। देखिए, युवा कांग्रेस गोलियां चली, जैसे विरोध इसका पहले भी हो रहा था, ठीक है, लेकिन लोगों को ये डरा रही है। ये जो वर्तमान सरकार है, इन्होंने लोगों के ऊपर इतना अपना प्रेशर बना दिया है। इनके बयान पे आपने देखा कि जामिया में सरेआम गोली चलाई गई, और वो कौन था? एक नौजवान था। जब इस तरह की ये बयानबाजी करेंगे और इनके बयानों का जो दबाव इन लोगों पे पड़ रहा है, युवाओं पे पड़ रहा है, आज की समय में युवाओं को रोजगार चाहिए, ना कि धर्म के नाम पे ऐसे उलझाया जाए। और ये गद्दार किसको कह रहे हैं? ये गद्दार इस हर नौजवान को कह रहे हैं जो इनका साथ नहीं दे रहा है। जब भी इनसे बेरोजगारी की बात की जाती है, रोजगार की बात की जाती है, तो ये मुद्दों को उलझाते हैं। और इस जीता जागता एक उदाहरण है जामिया में जो हुआ, और हम इस सब युवा कांग्रेस का विरोध करती है और आगे भी ऐसे ही विरोध करती रहेगी। कार्रवाई तब भी हुई और अभी भी हो रही है, और हम सिर्फ अपने इस रोष प्रदर्शन के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि यहाँ की जो भी कांग्रेस है, युवा कांग्रेस है, वो दबी हुई नहीं है। यहाँ पे जिस तरह से आपने देखा कि प्रशासन को सुबह से हमारे ऊपर लगा दिया गया था, हमारे 20 नौजवान साथियों को पीछे रोक दिया गया, नीचे भोटा चौक पे पुलिस प्रशासन ने हमारी गाड़ियों को वहाँ रोका गया, हमारे साथियों को यहाँ ऊपर आने तक नहीं दिया गया। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा नौजवान साथी और यूथ कांग्रेस जहाँ जहाँ ये अपना हमें पे अगर अपना छल कपट करेंगे, हम डट के इनका सामना करेंगे और संघर्ष करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। वहीं प्रदेश महासचिव आशीष ठाकुर ने कहा कि अनुराग ठाकुर के द्वारा की गई बयानबाजी पर युवा कांग्रेस ने हमीरपुर में प्रदर्शन किया और पुतला जलाया है। उन्होंने अनुराग ठाकुर से पूछा कि देश में गद्दारों की संज्ञा किसे दी जा रही है, इसलिए युवा कांग्रेस ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। आशीष ठाकुर, प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस। आज हम हमीरपुर आए थे, क्या था उद्देश्य? जो हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं, हाल ही में उन्होंने एक बयानबाजी की थी कि देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को, गोली मारो सालों को। मैं मीडिया के माध्यम से अनुराग ठाकुर जी से पूछना चाहता हूं कि वो देश के गद्दारों की संज्ञा किन लोगों को दे रहे हैं। इसको चलते आज हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का जो प्रदर्शन था, वो आज गांधी चौक में अनुराग ठाकुर जी का पुतला दहन किया गया और अनुराग ठाकुर जी के खिलाफ युवा कांग्रेस ने बयान
नारेबाजी की,